नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आप देख रहे हैं DLED पोस्ट सेमेस्टर के लिए हमने आपका जो मैथ स्टार्ट किया था उसमें आज चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत वीडियो नंबर 8 आपका होने वाला है। तो इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके उसमें मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूँ, जैसे वर्ग और वर्गमूल के कॉन्सेप्ट आपको मैं करा चुका हूँ। अब हम आज के वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं घन और घनमूल के जो कॉन्सेप्ट होने वाले हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आशा कर रहे हैं कि आपको सभी वीडियोस में जो भी पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको वास्तविक समझ में आता है तो आप इस वीडियो को जरूर से पहले से ही लाइक कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो की रीच ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ही सरल भाषा में अच्छी तरीके से धीरे धीरे सीख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम घन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। घन, जिसे इंग्लिश में हम क्यूब बोलते हैं, ऐसा समांतर षटफलक, षटफलक मतलब छह फलक वाला, जिसमें सभी फलक वर्गाकार हों। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए इस तरीके से हमने एक बना दिया, क्या यहाँ बना दिया हमने एक घन, ठीक है, एक घन बना दिया। इसको मैं मिला देता हूँ ताकि आपका पता चल जाए, ठीक है। तो इसमें सॉरी ये गलत मिल गया है, देखिए यहाँ से इसे मिला दीजिए, फिर इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए, ये आपका बन गया घन। अब इसमें फलक की बात कर रहा है कि इसमें छह फलक हैं। तो किस तरीके की छह फलक हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप किसी जिस जहाँ भी बैठे हुए हैं, अगर आप अपने रूम में बैठे हुए हैं तो आप यहाँ पर देखिए, आप अपने रूम की छत को देखिए। तो रूम की छत को देखेंगे तो इस प्रकार से ये आपके रूम की छत है। क्या है ये? आपके रूम की छत है। तो ये एक फलक तो ये इसका हो गया। और आप अपने रूम की फर्श को देखिए, जहाँ पर आप बैठे हुए हो, यानी फर्श जो होती है जिस पर आप बैठे हुए हो, वो आप फर्श देखिए नीचे वाली जो होती है, तो आपके कितने हो गए? दो फलक हो गए, एक ऊपर का फलक एक नीचे का फलक, ठीक है। अब अपनी जो आप देखेंगे तो यहाँ पर सभी जो आपकी दीवार्स हैं, दीवार को देखिए, दीवार नंबर 1, ठीक है, ये दूसरी हो गई, फिर इधर एक सामने वाली दीवार हो जाएगी 3, और इसके पीछे वाली एक हो जाएगी 4। यानी कि ये फलक जो होंगे वो आप देख सकते हो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, छह फलक हो जाएंगे। आप इसको अगर रंग लेते हो तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इस तरीके से एक फलक हमने इधर रंग दिया, इधर वाला, तो इसी तरीके से एक फलक इधर का रंग देंगे, कितना हो गया, चार फलक हो गया। और चार फलक के बाद मैं बता दूँ, एक आपका ये सामने वाला फलक, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अभी देखिए खींचता हूँ, तो यहाँ पे देखना ये जो फलक है इस तरीके से एक फलक जुड़ रहा है, ये वाला, ये सामने वाला फलक, और इसी के जस्ट पीछे वाला फलक, यानी कि आप अपनी चारों दीवारें देख सकते हैं, तो ये आपके 6 फलक हो जाते हैं। अब ये फलक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या फलक होते हैं। अब इसमें देखिए एक बात और इसने कही हुई है कि इसका जो भी फलक होता है ना, वो आपका वर्गाकार होता है। तो वर्ग की आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि वर्ग की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर मैंने एक वर्ग बना दिया है, आप देख सकते हो। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, इसकी जो सभी भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, समान होती हैं, ठीक है, समान होती हैं। और आप जानते हो कि जो क्यूब होता है उसमें भी सभी भुजाएं उसकी समान होती हैं, और वर्ग में भी सभी भुजाएं समान होती हैं। तो वर्ग के इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पर जो इसके फलक दिख रहे हैं वो आपको एक वर्ग के रूप में एक फलक इसका जुड़ा हुआ है, यानी एक वर्ग ये जुड़ा हुआ है, एक वर्ग ये जुड़ा हुआ है, दो वर्ग हो गए, फिर इसी के पीछे तीसरा वर्ग, एक आगे का वर्ग, यानी आप अपने रूम में बैठे हुए हो वहाँ पर आप देख सकते हो आपकी एक छत एक वर्ग हो जाएगी, एक आपकी फर्श एक वर्ग हो जाएगी, और आपकी चारों दीवारें आपके वर्ग के रूप में हो जाएंगी। यानी जो आपका षट फलक होगा, षट फलक का मतलब होगा छह फलक वाला, छह फलक वाला हर एक फलक उसका कैसा होगा, वो एक स्क्वायर होगा, यानी एक वर्ग होगा। और वर्ग का आपको जैसे क्षेत्रफल निकालना है तो आपको बता ही दिया है कि उसमें ए ए यानी आपका ए स्क्वायर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का मल्टीपल ही क्या होता है, स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल होता है, उसका एरिया होता है। तो ये सब बता दिया डायगोनल निकालने के लिए, डायगोनल भी आपको बताया था किस तरीके से निकालते हैं, ये थर्ड सेमेस्टर में जब हम करा रहे थे तो आपको इसके सभी कॉन्सेप्ट हमने कराए हुए थे। तो इसमें ज़्यादा पूछा नहीं है तो मैं यहाँ ज़्यादा बताने का प्रयास भी नहीं करूँगा, जितना आपके लिए सफिशेंट हो सकता है उतना मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की आपको बात समझ में आ गई कि इसमें जो आपका वर्ग यानी जो आपका क्यूब होता है यानी जो घन होता है वो षटफलक होता है, और इसका प्रत्येक फलक कैसा होता है, सभी फलक इसके वर्गाकार के रूप में होते हैं।
तो घन की आप विशेषताएं देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लिख रखा है, इसमें छह फलकें होती हैं जो सभी वर्गाकार होती हैं, आपको मैंने अभी समझा दिया। अब कह रहा है कि घन की प्रत्येक कोण की लंबाई समान होती है, ये भी मैंने आपको समझाया था कि इसमें जितनी भी इसकी जो भुजाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी वो कैसी होंगी, वो सब समान होंगी, कैसी होंगी, सब समान होंगी, ठीक है। इस तरीके से जोड़ दोगे इसमें तो इस तरीके से ये बन गया। आप इसमें देखोगे तो इसमें सभी जो इसकी भुजाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी, जैसे मैं यहाँ पे बात कर लूँ इसकी लंबाई की, ये जैसे लंबाई है इसकी, ठीक है, ये इसकी लंबाई होगी, यहाँ पर ये आपको देख सकते हो, यहाँ पे ये आपकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। कौन सी चौड़ाई है, तो ये और ये लेकर यहाँ तक चौड़ाई है, और इसकी ये ऊंचाई है जो आपको दिख रही है, ये ऊंचाई है। तो सभी इसकी भुजाएं कैसी हैं, सभी ए ए ए भुजाएं होंगी, तो इस आप समझ सकते हो इससे क्या है, इसकी सभी जो भुजाएं होती हैं वो कैसी होती, समान होती हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है इनमें चार विकर्ण होते हैं जो परस्पर बराबर होते हैं, तो चार विकर्ण हो जाएंगे। देखिए एक इस तरीके से खींच दो, ठीक है, इसमें जैसे विकर्ण खींचोगे, विकर्ण का मतलब क्या हो गया, दो भुजाओं को मिला के बनाएगा विकर्ण, जैसे मान लो जैसे आप देख सकते हो एक इस तरीके से इसमें खींच सकते हो, एक विकर्ण हो गया, एक इस तरीके से विकर्ण को मिला सकते हो, ठीक है। और यहीं पे जैसे आप देख सकते हो कि सामने वाले अगर पोर्शन में मिलाना चाहो तो यहाँ पे विकर्ण मिला सकते हो, तो इसमें जो विकर्ण होंगे वो आपके कितने होंगे, चार विकर्ण होंगे, जो परस्पर कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो कह रहा है घन में प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्यों प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्योंकि ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर के रूप में होता है, तो स्क्वायर रूप में आपको बताया कि जैसे इसका ए भुजा है, इसका भी ए भुजा है, स्क्वायर में सभी भुजाएं समान होती हैं, समान होती हैं। अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का हम मल्टीपल कर रहे होंगे, तो जब मल्टीपल करोगे ए इंटू ए तो बराबर में क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर मिलेगा, तो ए स्क्वायर मिलेगा, तो यानी हर एक फलक का जो क्षेत्रफल बनेगा वो आपका बराबर बनेगा, क्योंकि स्क्वायर है, और स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होता है किसी भी स्क्वायर का होगा वो बराबर ही होगा क्षेत्रफल, यानी कहने का मतलब जब छह फलकों से समान फलकों से मिलकर बना हुआ है तो उनका जो क्षेत्रफल होगा वो भी आपका बराबर ही निकल के आएगा। अब यहाँ पे अगला पॉइंट देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है, तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सूत्र देखिए, सूत्र में कह रहा है कि घन का आयतन क्या होगा, एक ही हो जाएगा। तो घन में आप जानते हो जैसे घन की जो आयतन के लिए आप लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को रखते हो, और तीनों आपकी ए दी हुई है, जैसे इस तरीके से मान लो एक ही घन बना हुआ, जैसे हम बना दें फिर से एक बार, देखिए ये जैसे घन बना दिया मैंने, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपका क्या बन गया, घन बन गया। इसमें मैंने आपको अभी बताया कि आपकी जो लंबाई है वो क्या है, तो लंबाई आपकी ये हो गई ए, ठीक है, और यहाँ पर जो आपको ये दिख रही है ये आपकी चौड़ाई है, यानी ये भी ए हो जाएगी चौड़ाई भी, और ये आपको दिख रही है ये आपकी ऊंचाई है, तो ये भी ए हो जाएगी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई का मल्टीपल ही क्या होता है, उसका क्यूब होता है, उसका आयतन होता है, तो आयतन होता है, तो यहाँ पर तीनों ए ए ए का अगर हम मल्टीपल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। जब ए का मल्टीपल हम तीन बार करेंगे तो ए क्यू बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए विकर्ण की बात कर रहे हैं, तो विकर्ण किस तरीके से हम निकाल रहे होंगे, तो आप जानते हो कि जब हम विकर्ण निकालते हैं किसी का, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे आप इसको हम रिलेट कर देते हैं जैसे घनाव से, आपने घनाव के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, इसे हम घनाव से रिलेट कर देते हैं तो आपको और अच्छे समझा दूंगा। देखिए एक बार के लिए जैसे देखिए, जैसे मैं पहले एक घनाव बना लेता हूँ, ठीक है, एक क्या बना लेता हूँ, एक घनाव बना लेता हूँ, जिस तरीके से एक यहाँ पे मैंने बना लिया घनाव, और इसकी सभी भुजाएं कैसी हैं, डिफरेंट हैं, ये समझ लीजिए इसकी जो सभी भुजाएं हैं वो कैसी हैं, डिफरेंट हैं, यानी अलग अलग हैं। तो यहाँ पर मैं इनकी भुजाएं ले लेता हूँ, जैसे यहाँ अब आप ले रहे होगे तो यहाँ पे ये आपकी एल हो जाएगी, ये आपकी एल हो जाएगी, और ये आपकी बी हो जाएगी, यानी ये ब्रेथ हो गई, और ये आपकी हाइट हो जाएगी, एच हाइट हो जाएगी। तो जब इसका हम विकर्ण निकाल रहे होते हैं तो अंडर रूट में होता है क्या, घनाव का विकर्ण एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस में एच स्क्वेयर, ये होता है आपका। आज जब घन की कंडीशन बनेगी तो इसकी सभी भुजाएं समान हैं, समान हैं तो हम इसमें रख देंगे, यानी तो एल की जगह भी ए स्क्वेयर लिख देंगे, क्योंकि लंबाई भी इसकी ए थी तो ए स्क्वेयर हो जाएगी, और यहाँ बी है तो बी स्क्वेयर की जगह भी ए स्क्वेयर लिख देंगे, और यहाँ पर एच स्क्वेयर की जगह भी ए स्क्वेयर लिख देंगे। तो आप देख सकते हो तीनों में आपका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई उसकी समान है, क्योंकि उसमें जो आपको ए भुजा है वो सबकी समान है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका अगर इनको जोड़ोगे तीनों को तो आपका ये अंडर रूट में कितना बन जाएगा, थ्री ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर का यानी ए ए का पेयर बन जाएगा, तो यहाँ पर जो ए है वो बाहर निकल जाएगा और रूट में रह जाएगा थ्री, यानी ए रूट थ्री, इस तरीके से आपका जो फॉर्मूला है वो बना हुआ है विकर्ण का, ठीक है। तो आप इससे अब वाकिफ हो गए होंगे, इसकी जानकारी आपको हो गई होगी।
मेरी यहाँ यही कोशिश रहती है कि आपको हर एक पॉइंट को मैं यहाँ पे डिस्कस करा दूँ ताकि आपको अच्छे से पढ़ने में मदद मिल सके। ठीक है, अब आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 a² होता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो इससे पहले घनाव का संपूर्ण पृष्ठ आप जानिए कि घनाव का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। तो घनाव का संपूर्ण पृष्ठ जो आपने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है घनाव का संपूर्ण पृष्ठ, इसे हटाइए। देखिए घनाव का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 कोष्टक में LB प्लस में BH और प्लस में HL, ये संपूर्ण पृष्ठ होता है। यहाँ पे आप देखेंगे 2, तो यहाँ पर ए और ए का मल्टीपल करोगे, क्योंकि यहाँ पे हाइट भी मतलब लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है। यहाँ पर भी आप करोगे तो ए इंटू ए करोगे, क्योंकि ये सब भुजाएं समान है। यहाँ पर भी ए इंटू ए करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे रख दो तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ये ए स्क्वायर बन जाएगा, ये ए स्क्वायर बन जाएगा। तो 2 तो बाहर ही है, 2 बाहर है और अंदर बन जाएगा 3 a² 3 a² हो जाएगा जब इसमें मल्टीपल करेगा ये, तो 6 a² 6 a² बन गया ना। तो यही कह रहा है कि जो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 6 a² होता है। अब हमने आपको बता दिया किस तरीके से बनना है, तो पहले आप घनाव को अपने दिमाग में ले आइए कि घनाव का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। तो घनाव के संपूर्ण पृष्ठ में इसकी आप जैसी वैल्यू है वो रखते जाइए, आपका आसानी से निकल जाएगा, जिस तरीके से मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ घन की एक कोर की जो भुजा होती है वो क्या होगी, कोर होगी या भुजा होगी, वो आपकी ए है। तो ये तो मैंने आपको शुरू में बता दिया, तो आपको इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप घन के बारे में पूरी जानकारी आपने ले ली होगी, और इसके देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। ये कह रहा है महत्वपूर्ण पॉइंट में, जिन संख्याओं के अवाज गुणनखंड, यानी जो जो संख्याएं होती हैं जिनके अवाज गुणनखंड हम करते हैं, के तीन तीन समूह बनाए बनाए जाएं, तो वह पूर्ण घन संख्या होगी। यानी अगर तीन तीन समूह बना लिए जाएं, जैसे मान लीजिए अवाज संख्या है और तीन तीन के पेयर्स बना लिए जाएं, जैसे इस तरीके से मान लीजिए जैसे 2 × 2 × 2 आया, तो यहाँ पर तीन तीन पेयर बना दिया हमने। ठीक है, तीन का अगर पेयर बना के चलेंगे तो हमारा क्या चलेगा, यानी वो पूर्ण घन निकल के आएगा, पूर्ण घन निकल के आएगा। जैसे ये बन गया, यहाँ पे और अवाज संख्या होती 3 × 3 × 3, इस तरीके से तीन का पेयर बन जाता। तो इससे जो भी निकल के आएगा वो आपको क्या निकल के आएगा, पूर्ण जो निकल के आएगा यहाँ से, वो आपका पूर्ण घन निकल के जाएगा। यहाँ से निकालोगे तो यहाँ से घन मूल निकल के जाएगा। वैसे आपका जो घन होता है वो तीन तीन आवाज गुणनखंडों के क्या बनता है, योग से आपका बन जाता है। ठीक है, मतलब उनके मल्टीपल से बन जाता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि जिन संख्याओं के आवाज गुणनखंड के तीन तीन समूह बन जाएं, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। जैसे मान लो एक तरीके से एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, जैसे वो अभी पूर्ण हमने वो घन मूल बता दिया है, तो यहाँ पे पहले मैं आपको घन समझाता हूँ। जैसे ये मान लीजिए कि आपका ये एक दिया गया है, तो आप मैं इसे डायरेक्ट बता देता हूँ काट के, वैसे ये डायरेक्ट नहीं, पहले आपको 2 से काटना चाहिए, फिर भी मैं डायरेक्ट काट के बता दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। तो जैसे आप 6 से काटोगे तो ये 36 बचेगा, फिर आप इसे 6 से काटोगे तो ये आपका 6 बचेगा, फिर इसे 6 से काट दोगे तो ये बच जाएगा। यानी यहाँ तीन 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 का पेयर बन गया, 6 × 6 × 6, तो यानी ये 6 का क्यूब हो जाएगा। 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा, समझ गया, ये कह रहा है। और जो मैंने अभी इससे पहले बताया वो घनमूल से मतलब आपको निकालना है, तो उसमें रूट में आपको पेयर बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात कर रहा है, वो इस तरीके से बात कर रहा है कि 6 × 6 × 6 करोगे, जैसे एक ही सेम नंबर का अगर आपका तीन का पेयर बन जा रहा है तो वो पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, यही बात कह रहा है वो। ठीक है, आवाज गुणनखंड संख्या की बात कर रहा था, तो जैसे मान लीजिए कि आपका 2 2 का पेयर बन जाए, 2 2 का पेयर बन जाए, ठीक है, और 2 2 का पेयर बन जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, तो 8 भी ये क्या होगा, ये पूर्ण घन होगा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई होगी। अब देखिए कह रहा है सम संख्याओं के घन सम होते हैं, तो सम संख्याओं के जो घन होते हैं वो हमेशा सम होते हैं। देख लेते हैं होते हैं कि नहीं होते हैं। तो पहली सम संख्या हम 2 ले लेते हैं, 2 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 2 × 2 × 2 करेंगे, 2 × 2 = 4 × 8, तो ये सम संख्या निकल जाएगी। 4 का करिए, 4 का क्यूब करोगे तो 4 × 16, 16 × 64, 64 में भी आप देखेंगे तो ये भी आपका सम संख्या निकल गया। इसके बाद आप 6 का देखिए, 6 का क्यूब करोगे 216 आएगा, 216 में भी ये आपका क्या निकल के जाएगा, ये आपका सम संख्या निकल के जाएगा। इसी प्रकार से आप जब 8 का कर रहे होंगे तो 8 का क्यूब करोगे तो आपका 512 आएगा, 512 में आप देखोगे फिर भी आपका ये क्या है, ये आपका जो सम संख्या निकल के आया हुआ है। तो इसी तरीके से कह रहा है कि आप जब भी आप सम संख्या का कर रहे होंगे क्यूब, तो उसका जो
सम संख्याओं का जो घन होता है उसका वो सम ही निकल के आता है हमेशा, ठीक है। तो यही कह रहा था, तो आप समझ सकते हो पॉइंट नंबर टू आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए पॉइंट नंबर तीन, यहाँ पर इसने कहा हुआ है कि विषम संख्याओं के घन हमेशा विषम निकलते हैं। तो देखिए विषम पे भी देख लेते हैं, जैसे वन का क्यूब करोगे तो आपका वन निकल के आएगा, थ्री का क्यूब करोगे, थ्री का क्यूब करोगे तो थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री हो जाएगा, तीन तो का नौ, नौ तीस 27। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये भी कैसी है, एक विषम संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार से आप पाँच का क्यूब करोगे तो ये आपका 125 आएगा, इसमें भी विषम है। फिर सात का करोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 343। 343 में भी आपका ये विषम संख्या है। नाइन का करोगे क्यूब तो नाइन में आपका आ जाएगा 729। 729 में भी एक कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है। तो यही कह रहा है कि जब हम विषम संख्या का क्यूब करेंगे तो हमें विषम ही संख्या मिलेगी, ठीक है। तो यही कह रहा था पॉइंट नंबर तीन में। पॉइंट नंबर चार देख लीजिए, जिन संख्याओं के अंत में शून्यों के तीन तीन के समूह हों तो वह संख्या पूर्ण घन संख्या होगी। शून्यों के तीन तीन हों, जैसे मान लीजिए ये कोई संख्या, जैसे मान लो दस है, ठीक है, दस है, जब इसका सब करोगे तो किस तरीके से ये शून्य शून्य के तीन के पेयर बन जाएंगे, यहाँ पे मतलब टेन इंटू टेन इंटू टेन हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें जब शून्य शून्य होगा, तीन के अगर पेयर बना जा रहा है तो वो भी क्या होगी, पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। तो यही कह रहा था, तो आप इसको भी समझ सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो यहाँ पर, अब आगे इसके मैं क्या कराऊंगा, आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगा, तो ये घन आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके समाप्त हो जाते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको मैं आपको समझाऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।